जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप गुप्त काल की साहित्य के बारे में जानेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, ये दो भाग में बनाया है। ये जो वीडियो मैंने आपको बना के अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस वीडियो में आप गुप्त काल के ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आप ये यहाँ के सवाल और आंसर सब आप देखेंगे, पर आप नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर के हिसाब से आप गुप्त काल के साहित्य को देखेंगे। पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर एक वीडियो की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो आप दोनों ही वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे ताकि आपको नोट्स लिखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि गुप्त काल के साहित्य से अक्सर यूपीएससी, जेपीएससी और साथ में अभी ग्रेजुएशन के ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, याद कीजिए और नेक्स्ट अगर इसको लॉन्ग आंसर में किस तरह से परिवर्तित करना है तो ये भी आपके सेकंड वीडियो में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि गुप्त काल का साहित्य है क्या। तो गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए ही स्वर्ण युग माना गया है। यानी कि गुप्त काल को अगर स्वर्ण युग माना गया है तो उसके साहित्य को मद्देनजर रख के माना गया है। अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हैं कि गुप्त काल का स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर सोने के सिक्के बहुत मिले हैं। हाँ, ये सही है कि गुप्त काल का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही उत्तम था तो वहां पर सोने के सिक्के मिले हैं, लेकिन सबसे उत्तम था उसकी साहित्यिक स्थिति। सबसे उत्तम और अस्वस्थनीय, मतलब कि देखा जाए तो अगर समाज में मौर्य सिविलाइजेशन, मुगल्स या सल्तनत को अगर आंका जाए तो सबसे ज्यादा अगर साहित्य अच्छी थी तो गुप्त काल की ही साहित्य को अच्छा माना जाता है। इस युग में ही कला और साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई जिसे विश्व में स्थान मिला है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना जिसे विश्व के टॉप 100 ग्रंथों में एक माना जाता है, और ये सवाल अक्सर यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है कि कौन से बुक को 100 टॉप ग्रंथों में रखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम भारत की पहली रचना है जिसका सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। शून्य का आविष्कार भी गुप्त काल में ही हुआ था। कुछ हैं जिसमें साहित्य और रचनाकार के भी बारे में बताया गया है जिसे मैं संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में आपके सामने लाई हूँ। सबसे पहले तो अभिज्ञान शकुंतलम है जिसके रचनाकार कालिदास हैं, जिसमें ऑथेंटिक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें है कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में अभिज्ञान शकुंतलम में बताया गया है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है मालविकांगिनी मित्र, इसके भी रचयिता कालिदास हैं और जिसमें अग्नि मित्र व मालविका की प्रेम कथा के बारे में जानकारी मिली है। नेक्स्ट बुक है विक्रमोवर्षियम जिसके रचनाकार कालिदास ही हैं, जिसके सम्राट पुरुलवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा के बारे में इसमें जानकारी मिली है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ये है मुद्रा राक्षस जिसके रचनाकार है विशाख दत्त, इसमें चंद्रगुप्त के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम जिसके रचनाकार है शूद्रक, इस नाटक में नायक चारुदत्त नायिका वसंत सेना के साथ राजा ब्राह्मण जुआरी और व्यापारी वेश्या चोर और धूर्त दास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है देवी चंद्रगुप्तम जिसका राइटर है विशाख दत्त, चंद्रगुप्त द्वारा शक राज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है चारुदत्तम जिसके रचयिता है भास, और इसमें चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एक बुक है जिसका नाम है प्रतिज्ञा योग धारायणयम, जिसका आई थिंक मुझे लगता है कि इसका एक्चुअल जो प्रोनंसिएशन है वो है प्रतिज्ञ योग धारायणम, जिसके राइटर है भाष, और इसमें महाराज उदयनी किस तरह से योग धारायण की सहायता से वास वदता को उज्जैनी लेकर भागने का वर्णन है। नेक्स्ट बुक है स्वप्न वास वदाता जिसके राइटर है भास, इसमें उदयनी व वास वदता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साहित्य में इन सब बुक के बारे में भी आपको जानना चाहिए है वो है मेघदूतम जिसके राइटर है कालिदास, ऋतु संहारम
जिसके राइटर है कालिदास, कुमार संभवम जिसके राइटर है कालिदास, रघुवंशम जिसके राइटर है कालिदास, दस कुमार चरित जिसके राइटर है दंदिन और काव्य दर्शन जिसके राइटर है दंदिन। मैंने इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए इसका आंसर लिखा है ताकि जब आप लोगों को किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आए कि मेघदूतम या ऋतु संहारम के राइटर कौन है या रचनाकार कौन है तो आप इसके बारे में आसानी से टिक मार सकें या फिर इसका एक लाइन में जवाब दे सकें। और भी कुछ बुक हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि न्यायावतार जिसके राइटर हैं सिद्ध सिंह, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, चरक संहिता चरक, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट, विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष, योगाचार्य असग, उरुभंग भास, किरातर्जुनीयम भरवी, अमरकोश अमर सिंह। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें रावणवध, वात स्तभति, चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमी, वृहत संहिता, वाराह मिहिर, पंच सिद्धांतिका, वारा मिहिर, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट। गुप्त कालीन साहित्य की विशेषता जो रही है या है जो आपको ये जानना चाहिए कि गुप्तकालीन साहित्य की जो रचना थी वो मुख्यतः संस्कृत भाषा में किया गया था। गुप्तकालीन सभी नाटक का अंत सुखांत था। गुप्त काल में पाणिनी और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ जिसमें अमरकोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न अमर सिंह ने किया था जो प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में शासकीय भाषा यानी दरबार की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। असंग ने योगाचार भूमि शास्त्र प्रकरण आर्यवाचा, महायान शुत्रालंकार वज्र छिद्दिका टीका, महायान सपरिग्रह महायंभिधार मासागित शास्त्र की रचना की। वसुबंध ने अभिधर्म कोश लिखा जो बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। हीन यान धन पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्ध मग की रचना की। जैन धर्म का ग्रंथ सिद्ध सिंह द्वारा रचित न्यायावतार की रचना की गई है। नेक्स्ट जो आपको गुप्त काल के बारे में या गुप्त काल के साहित्य के बारे में जानना, उसमें विज्ञान का जो क्षेत्र था उसकी भी एक अपनी महत्वपूर्ण स्थिति थी जिसके बारे में आपको अभी जानना है कि गणित के क्षेत्र में इस काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय है जिसकी रचना आर्यभट्ट ने की। इस रचना में प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। वाराह मिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए जिसमें पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, वृहजातक व लघु संहिता की रचना किया। नागार्जुन कालीन रसायन शास्त्रीय थे जिसने रस रसायन की रचना की। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे। शल्य चिकित्सा शास्त्र आदि प्रवर्तक सुसूत्र और नागार्जुन थे। गुप्त काल में ही शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। इसमें आप ये भी जानेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट थे राजाओं में गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, उनमें से उनको उन्होंने नौ रत्न रखा बनाया था जिसके बारे में कुछ जानकारी आपको अर्जित होनी चाहिए। जैसे कि हरिसेन एक ऐसे कवि थे जिन्होंने कविताओं की रचना की। उनमें ही वारा मिहिर थे जो खगोल शास्त्र थे, उन्होंने वृहद संहिता की रचना की। वरुरुचि ने व्याकरण यानी व्याकरण संस्कृत की रचना की। धन्वंतरी जो चिकित्सा में आयुर्वेद पुस्तक की रचना की। छपनक ज्योतिष थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। अमर सिंह शब्दकोश जिसने अमरकोश की रचना की। कालिदास काव्य नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। शंकु वास्तुकला शिल्प शास्त्र की रचना की। और वेताल भट्ट जो जादू के थे मंत्र शास्त्र की रचना की। ये जो आप वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसमें आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे अगर कोई भी सवाल आता है तो उन क्वेरीज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव
एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो को आप अच्छे से देखें और भली भांति इसे पूरी तरह से याद रखें।